किया था आज वही है और दिसंबर में मंदिर बनना प्रारंभ हो जाएगा। मंदिर बनना प्रारंभ हो जाएगा आप कह रहे हैं, लेकिन क्या वाकई बिना विधेयक के, सुनिए, बिना विधेयक के, बिना बिल के, बिना अध्यादेश के, आपसी समझौते के आधार पर अयोध्या में रामलला का मंदिर बनेगा और लखनऊ में मस्जिद का निर्माण होगा। राइट, मोर रिएक्शंस कमिंग इन अनुज, एंड इट इज द सेम that we've been hearing, that it is now that the Ram Mandir should be built and it is time that the BJP intervenes and brings an ordinance. Before we come across to you, Anuj, let's listen in to what Lakshmi Tripathi had to say a short while back. Mang bahut purana hai, sadiyon se chala aaya mang hai aur us mang ke naam pe log satta mein aa gaye, पर अफसोस है कि मेरे प्रभु राम का मंदिर आज भी राम मंदिर का प्रश्न उतना ही जटिल होते जा रहा है। आश्वासन था कि उच्च न्यायालय तुरंत सुनेगी और कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरुआत होगी, पर उसे भी 19 जनवरी तक टाल दिया गया और ये कब तक टाला टली चलेगी। संत समाज है, मैं किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर हूँ और किन्नर समाज तो ये अटल पृष्ठभूमि पे ही है कि राम का मंदिर बनेगा अयोध्या में। इसकी व्यवस्थापिका की रक्षा के लिए, समूचे व्यवस्था की रक्षा के लिए संत दिल्ली में जुटे हैं, पूरे देश से जुटे हैं। दो दिनों में हम यह निर्णय लेंगे कि यहाँ पे रोहिंग्या बांग्लादेशी रहेंगे या इस देश का टैक्स। राम मंदिर को लेकर क्या किस तरह की बातचीत इस महासम्मेलन जो है जिसमें संत आ रहे हैं दुनिया के कोने कोने से, उस पर होगी सर? स्वाभाविक है, राम मंदिर हमारे लिए आस्था का विषय है। हम राम मंदिर के सवाल पे फैसला लेंगे और यह फैसला इसलिए भी लेंगे कि जब न्यायपालिका ने हाथ खड़े कर दिए, तारीख पे तारीख डाल करके भाग रही है और न्यायपालिका के पास ऐसे मुद्दों पे जो चरित्रगत मुद्दे हैं, छोटे छोटे विषय हैं, उस पर फैसला सुनाने के लिए वक्त है, लेकिन वो देश की प्राथमिकता के, जिससे खून खराबा होने का खतरा है, एकता और अखंडता प्रभावित होती है, ऐसे प्रश्नों पे जब न्यायपालिका चुप रहती है तो स्वाभाविक है कि इस देश के धर्माचार्य चुप नहीं रहेंगे, हम निर्णय लेंगे। क्या निर्णय लेंगे आप लोग? अगर सुप्रीम कोर्ट निर्णय नहीं दे सकता तो स्वाभाविक है कि संसद सर्वोच्च है, तो संसद के अंदर विधेयक आए अथवा अध्यादेश आए, सरकार इसकी कोई व्यवस्था करे। हमें राम जन्मस्थान पे भव्य राम मंदिर चाहिए, इसके लिए आप विधेयक लाइए या न्यायालय से फैसला कराइए, हमें फैसला अविलंब चाहिए। हमने 50 साल तक इंतजार किया, बहुत खून खराबे हो चुके, इस पर फैसला दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन था कि जनवरी की पहले हफ्ते में डिसाइड करेंगे कि कब सुना जाए मामला, उसके बाद से काफ़ी समय हो चुका है, अभी तक अध्यादेश ऑर्डिनेंस आने की कोई बात सामने नहीं आई सरकार की तरफ से भी। सुप्रीम कोर्ट का कौन सा ऑब्जर्वेशन है? 3 महीने बाद हम जज तय करेंगे वो तारीख कौन सी डालें, डे बाय डे सुनेंगे कि 3 महीने, फिर वो 3 महीने की आगे की तारीख डालेंगे। उन्होंने देश की जनता का मजाक बना रखा है क्या कि जिस देश की जनता अपने भावनाओं के लिए उबलती हो, हमारे लिए रोटी मुद्दा नहीं है, हमारे लिए हमारा आत्मस्वाभिमान विषय है और आपने आत्मस्वाभिमान का मजाक बना रखा है कि आप इस बात के लिए देश की सुविधाएँ भुगतते हैं क्या? हम इस बात के लिए आपको सुविधा देते हैं, हम टैक्स अदा करते हैं क्या कि आप बैठें और हमारा माखौल उड़ा करके 2 मिनट में उठ के चले जाएं? सो दैट्स द क्लियर वर्ड कमिंग इन फ्रॉम ऑर्गेनाइजर हियर एट तालकटोरा स्टेडियम, वेयर ही सेइंग ईदर दिस टाइम और नेवर, एंड दे आर गोइंग टू माउंट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ राम टेम्पल। सो इंडीड अ मेगा कन्वेंशन इज टेकिंग प्लेस एट तालकटोरा स्टेडियम वेयर एटलीस्ट 3500 सेंट्स इंक्लूडिंग मेनी पिटिशनर्स इन राम मंदिर टाइटल सूट केस एंड ऑल्सो वर्किंग इंटरनेशनल वर्किंग प्रेजिडेंट ऑफ VHP आर ऑल्सो प्रेजेंट।